दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप YouTube से यदि मनी अर्न करना चाहते हैं तो आपको तरह तरह के यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। खासकर YouTube पार्टनर प्रोग्राम एक सबसे अच्छा तरीका होता है, तो जिसके लिए आपको जो पार्टनर प्रोग्राम की पॉलिसीज़ है उसको मीट करना होता है। तो अभी तक देखिएगा, दो तरीके रहे हैं। तो आज ये जो बहुत बड़ा अपडेट है कि आगे आने वाले साल में आप शॉर्ट से अर्न कर सकते हैं, तो क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और क्या शर्तें हैं, मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ, ऑथेंटिक अपडेट बताने वाला हूँ। देखिएगा दोस्तों, YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी तक जो एक तरीका रहा है वो ये रहा है कि आपका 1000 घंटा एज पर नाउ, जो नया रूल अभी तक हम देखते आ रहे हैं, तो 1000 सब्सक्राइबर आपके होने चाहिए और 4000 घंटे वॉच आवर होना चाहिए। देखिएगा, साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे और जो आपके डाउट्स हैं उसका मैं आंसर देता जाऊंगा। देखिएगा, दूसरा जो नया अभी एक ऑप्शन आया है YouTube शॉर्ट्स का, उससे भी लोग अर्न कर रहे थे और इसके लिए YouTube ने अलग से एक फ़ंड निर्धारित किया था। तो अब ये जो अलग से एक फ़ंड बना था YouTube शॉर्ट्स के लिए, अब हटा दिया जाएगा। अब YouTube जो शॉर्ट्स बनाते हैं जो क्रिएटर्स, तो अगर उनके पास 1000 सब्सक्राइबर है, चाहे वो शॉर्ट्स बनाएं, चाहे रेगुलर वीडियो बनाएं, चाहे वो दोनों बनाएं। रेगुलर वीडियो वो हैं जो कि 60 सेकंड से ज़्यादा रहती हैं, और जो एक अलग से आप देखते होंगे यूट्यूब शॉर्ट का एक अलग से प्लेटफॉर्म रहता है, उससे वो हट के रहता है, बल्कि रहता है यूट्यूब पर ही है। तो या तो 1000 सब्सक्राइबर रहे और शॉर्ट्स वीडियो बनाएं, या फिर रेगुलर वीडियो बनाएं, या फिर दोनों बनाएं, दोनों एलिजिबल रहेंगे अब पार्टनर प्रोग्राम के लिए। इससे पहले ये था कि अगर आप लंबी वीडियोज़ बनाते हैं, शॉर्ट्स नहीं बनाते हैं, तभी आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो उस पर एड आता है तब उसका रुपए कमाते हैं। लेकिन अब 2023 से, ये फरवरी से चालू होगा और मिड जनवरी से ऐसा कोई आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, YouTube भेजेगा, ऐसा ऑप्शन रहेगा कि अगर आप शॉर्ट्स पे वीडियोज़ बना रहे हैं और अच्छे खासे अगर व्यूज़ हैं, देखिएगा क्राइटेरिया क्या है। अगर आपका पिछले 90 दिन में, मतलब 3 महीने में, अगर आपका 10 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, और 10 मिलियन बराबर आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो अगर आपके इतने व्यूज़ हैं, मतलब 1 करोड़ लगभग हो जाता है, अगर आपके इतने व्यूज़ हैं पिछले 3 महीने में यूट्यूब शॉर्ट्स पे, और शॉर्ट्स पे व्यूज़ आना बड़ा आम बात होता है, जल्दी जल्दी आप व्यूज़ गेन करते हैं, तो अगर आपके इतने व्यूज़ हैं तो आप पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, आप या रेगुलर बड़ी वीडियोज़ बना के आप ये क्राइटेरिया मीट करिए, या फिर शॉर्ट्स बना के करिए। और अगर मान लीजिए आप पहले से आपका चैनल मोनेटाइज है, तो अभी तक होता क्या था कि आपका जो यूट्यूब शॉर्ट्स का जो व्यूज़ है वो काउंट नहीं होता था रेगुलर जो वीडियोस पे है। अब होने क्या लगेगा, व्यूज़ तो काउंट नहीं होगा, लेकिन जो एड चलेगा, शॉर्ट्स पे, उसका रिवेन्यू शेयर होगा यूट्यूब का, आपका जो अकाउंट रहेगा और पार्टनर प्रोग्राम में जो रहेगा। तो अब आप, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, तो जो आपका शॉर्ट्स पे वीडियोज़ बनाते हैं उस पर भी जो एड चलेगा तो वो भी आपको मिलेगा। दूसरी अपडेट ये है कि चाहे आप उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप यूज करिए चाहे ना करिए, आप उससे भी मनी अर्न करेंगे। अगर आपने लाइसेंस ले रखा है तो आप पूरा जो 45% अराउंड मनी है आपको मिलेगा, अगर नहीं है तो आप शेयर करेंगे सामने वाले से। तो ये अपडेट है, और देखिएगा आपके सामने कुछ ऐसी वीडियो जाएंगी कि शॉर्ट से अब आप ऐसे कमा लेंगे, और कोई क्राइटेरिया अगर आपके सामने गलत आती है तो आप उस ट्रैप में नहीं फंसिएगा। ये ऑथेंटिक अपडेट है कि 1000 सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका मोनेटाइज हो पाएगा। और यदि जो शॉर्ट्स है उस पर अगर आपका पिछले 3 महीने में, कभी भी पिछले 3 महीने में अगर 10 मिलियन से ज़्यादा या उतना व्यूज़ हो जाता है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। मेरे हिसाब से आपको मैं एक आइडिया बताऊँ, सबसे अच्छा तरीका है आप यूट्यूब शॉर्ट्स पर ज़्यादा वर्क मत करिए, आप करिए लंबे कंटेंट पे। 1000 सब्सक्राइबर जैसे हो जाए और आपका 4000 घंटे वॉच टाइम हो जाए, देन आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। देन उसके बाद आप शॉर्ट्स भी बनाइए, शॉर्ट्स पे जो व्यूज़ आएंगे, एड चलेगा, उसका भी आपको अमाउंट अर्निंग होगी, तो इस तरह से आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। तो दिस इज़ ओवरऑल अपडेट दोस्तों, आप हर समय का धन्यवाद।